हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के नाम को रोशन करने में कभी कोई कमी नहीं रखी। विश्व के संदर्भ में हो और भारत की आवश्यकता के संदर्भ में कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा जब मेरे देश के वैज्ञानिकों ने एक साथ 100 से अधिक सैटेलाइट आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था। ये सामर्थ्य हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ था कि मंगलयान की सफलता और पहले ही प्रयास में सफलता विश्व के अंदर हमारे लोग मंगल के कक्षा में प्रवेश किया, वहां तक पहुंचे, ये अपने आप में हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि थी। आने वाले कुछ दिनों में हमारे इन वैज्ञानिकों के आधार कल्पना और सोच के परिणाम स्वरूप नाविक, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। देश के मछुआरों को, देश के सामान्य नागरिक को नाविक के द्वारा दिशा दर्शन का एक बहुत बड़ा काम आने वाले कुछ ही दिनों में हम लगाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज इस लाल किले की प्राचीर से मैं देशवासियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब, या हो सके तो उससे पहले, आजादी का 75 साल मनाएंगे तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों को, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस महान काम के लिए। भाइयों बहनों, हमारा देश